नानक देव सच्चे पातशाह तीर्थां ते गए, हरिद्वार चले गए गुरु नानक देव सच्चे पातशाह। वड्डा इत्थे पंडतां ने पखंड रचाया होया सी, ओ लोग सूरज वल नूं पाणी दे रहे सन, पंडतां ने प्रचार इह कीता होया सी, तुहाडा इत्थे दित्ता होया पाणी जिहड़ा तुहाडे पितरां तक पहुँच जांदा है। ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह दा ढंग बड़ा वधिया सी प्रचार करन दा, किसे नूं सवाल नहीं सन करदे, किसे नूं कुछ नहीं सन आंदे। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह माहौल इस तरह का सिरज देंदे सन, अगला के सवाल करदा सी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह गंगा नदी दे विच प्रवेश कर गए ते पछम वाले पासे नूं मूँह करके ते पानी सुटन लग पए। पंडित आए ते आके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं सवाल किया कि भाई पूरब इस पासे आ, सूरज इस पासे आ, तू पानी इधर क्यों दे रहे हैं? ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह बचन कीता, पंडतो करतारपुर मेरी मुंजी सुकन दई है, मैं उत्थे पानी पचा रहा। ते पंडित आखन लगे तेरा पानी ते इत्थे डिगी जांदा, तेरे खेतां तकर ते पहुँच ही नहीं रहा। ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह बचन कीता, पंडतो अच्छा तुहाडा सुटिया होया पानी सूरज तकर पहुँचन दिया, ते मेरा पानी इत्थे इस धरती ते करतारपुर नहीं पहुँच सकता। पंडतां नूं पता लग गया कि साडा पखंड इन्हें फड़ लिया। पंडित जड़े सन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह पंडतां नूं समझाया क्यों पखंड करदे हो, इस तरह रब परमेश्वर नहीं मिलना।